तो स्वागत है मेरे प्यारे पित्रो एंड पित्राणी हो आपके अपने चैनल से ना, ना देखा गेमिंग पर ओह सो सो गुस्सा की माफ मेरे प्यारे मित्रों एंड मित्रणी हो आपके अपने चैनल से ना देखा गेमिंग पर तो कैसे हैं आप लोग लो? होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे मई वीडियो गाइज तो चलिए हम आज की अपनी गेम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ प्ले बेटा पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर गोकुल सोसाइटी क्रिएटिव में चलते हैं अपन गाइज और ये हमारे हाउ टू मेक गोकुल सोसाइटी इन माइंड का पार्ट फोर्टी अगर आपने पार्ट पार्ट फोर्टी पार्ट फोर्टी फोर्टी थर्टी नाइन थर्टी एट थर्टी सेवन या और भी अगर प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द जाके देखिएगा इस मेरे चैनल पे अपलोडेड है गाइज़ तो हम ये कहाँ आ गए ये था हमारा डॉक्टर हाथी का घर जो हमने प्रीवियस पार्ट में बनाया तो जल्द से जल्द जाके देखिए इस आज हम मतलब तारक मेहता जी का हाउस हमने बनाया तो हुआ है पर थोड़ा काम उसमें बचा हुआ है गाइज तो आज हम तारक मेहता जी का बनाएंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सारे ग्राउंड फ्लोर वाले जो हाउसेज होने वाले हैं उनमें दो दो होने वाला तो हमने हॉल बना दिया था तारक मेहता जी का ये हमने रूम रूम बनाया था मतलब कुछ ऐसा डाइनिंग आ, डाइनिंग कह रहा हूँ गाइस ये हमने कुछ बेडरूम मतलब लिविंग रूम टाइप टाइप बनाया था ये यहाँ पर अभी थोड़ा यहाँ भी काम बचा है अपना और यहाँ भी बचा है अभी हमारी फ्रेम्स भी बची है ये हमारा एक और बचा है तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं अपना काम जो भी है अपनों को आज निपटाना है गाइस तो यहाँ पर भी हम थोड़े बुक शेल्फ या हम टेबल 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 तो हम जैसे कि टेबल लगाना चाहेंगे पहले यहाँ पर चेयर्स लगा देते हैं अपन एक दो तीन और एक यहाँ पर लगा देते घुमा के एक यहाँ लगा देते हैं तो ये तो अपना ऐसे हो गया तो इसी की सीध में इसी की सीध में और ले जाते हैं गाइज़ एक दो तीन चार पाँच तो मतलब ऐसे आएगा मतलब अभी हम टेढ़ा लगाएंगे इसको ये ऐसे इस इस, इस मतलब इस तरीके से दो तीन चार एक यहाँ आएगा यूँ तो ये देखिएगा मैं पीछे से एक बार ही दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार दिख रहा है हमारा जो थोड़ा सिटिंग का हो जाएगा हमारा सोफ़ा वगैरह चार पाँच छः बाकी अभी हम फोटो फ्रेम्स वगैरह लगाएंगे तो उससे तो शान आई जाती है अपने हाउस में तो ये हमारा सोफ़ा कुछ ऐसा हो गया सिटिंग एरिया वहाँ पर हमारे बेड्स हो गए यहाँ हमारा सोफ़ा हो गया और बाकी एक वो जो टेबल थी हमारी वो नीचे है तो हम नीचे से ढूंढ सर्चिंग में जाके कर ढूंढ के लिए आएंगे नीचे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस अपने पास टाइम ही टाइम है मतलब आप लोगों के पास नहीं है तो इस वजह से हमें पार्ट्स बनाने पड़ते हैं वरना गाइज़ मैं चाहूँ तो लाइफ टाइम यार मतलब बनाता रहूँ बनाता रहूँ बनाता रहूँ वीडियोज़ गाइज़ तो अपने इसकी जगह ले लेते हैं टेबल अपनी मतलब अभी फ़िलहाल और यहाँ पर टेबल लगा डालते हैं अपनी जो भी है लेके ट्रन मतलब हम तो टेबल बोल रहे हैं गाइज़ ये है कुछ और चीज़ ये तो यहाँ भी लगाते अपन ये इसी प्रकार तो ये यहाँ वहाँ हो ही गए हैं अपने यहाँ ये लगा देते हैं अपने यहाँ भी यही लगाएंगे गाइज़ ये देखिएगा यहाँ भी अपना हो गया यहाँ भी अपना हो गया थोड़ा इस प्रकार का ये थोड़ा आगे पीछे लग रहा है यहाँ पर हमने दो का गैप दिया और यहाँ पर कितने का दिया गया इस एक दो तो ये छोटा बड़ा लग रहा है अपना वो थोड़ा पर कोई नहीं गया इस, कौन सा मतलब अभी मतलब थोड़ा हम करेंगे फिनिशिंग देंगे तो अपने काम करते हैं अभी यहाँ भी हम थोड़ा बनाएंगे कुछ कुछ क्या बना ही डालते हैं यार तो अपने एक काम करते हैं ग्लास चेस्ट में जाके ग्लास ले आते हैं यहाँ से तो यहाँ पर ग्लास लगाते हैं एक दो तीन चार पाँच एक ऐसे ही लगाते हैं यहाँ पर एक दो तीन अरे यार यहाँ नहीं हुआ चार और पाँच ये हमारा बीच में थोड़ा टेढ़ा हो गया गाइस ये यह यहाँ आना है बेसिकली तो ये भी तोड़ते हैं अपन ये भी तोड़ देते हैं नीचे थोड़ा कर लेंगे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ताँगी ताँगी है अपने बस टाइम ही टाइम मैंने जैसा कि आपको बताया तो कुछ इस प्रकार दिख रहा है अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ये ये देखिए कुछ इस प्रकार रोशनी हो जाएगी अपने घर में बढ़िया वाली ये हमारी एंट्री हो जाएगी हमारा तारक मेहता तो जी का हाउस होने वाला है तो यहाँ पर अपने बेडरूम है कि अटैच तो हम यहाँ बेडरूम बनाने जाएंगे गाइस तीन एक दो एक दो तीन एक और ले लेते हैं क्योंकि बीच में हम बेड देंगे ना गाइस तो बेड भी अपना शायद इसमें है नहीं है तो बेड अपने निकाल बैड सर्सिंग ही कर लेते गई बी ई डी बेड तो बेड अपने यहाँ पर ग्रे लगाएंगे गाइस तो अपने ग्रे 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 बेड यहाँ लगा डालते हैं अपना एक दो तो देखिए कुछ इस प्रकार दिख रहा है अपना बेड तो यहाँ पर एक बुक शेल्फ लगा देते हैं एक दो मतलब बुक शेल्फ देखो गाइज ये एक काम से एक मतलब एक तो काम कर रहा है अपना टेबल का ये बुक शेल्फ तो खैर गाइज बोलने में आ रहा है एक और लगा देते हैं यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है बेड से अटैच अपना एक दो तीन एक और इसको लगा देते हैं तो कुछ इस प्रकार अपना बुक शेल्फ टाइप हो जाएगा ना और ये मतलब ड्रॉर्स ड्रॉर्स अलमीरा मान लोगे आप बोलोगे कि बुक शेल्फ ही बुक शेल्फ़ लगाई जा रही है तो गाइज़ ये मतलब एक टाइप का हम अलमारी अलमीरा टाइप बना रहे हैं मतलब अलमीरा हो गया ड्रॉर हो गया क्योंकि इसमें उसका तो ऑप्शन है ही नहीं गईज़ तो हम एक इस मतलब इसको उस टाइप का बना रहे हैं थोड़ा तो यहाँ पर एक सीटिंग का अपना थोड़ा सोफा टाइप बना देते हैं थोड़ा ऊपर चलते हैं यहाँ पर एक ये घुमा देते हैं यहाँ से और एक घुमा देते हैं यहाँ से तो अपना ये सिटिंग का थोड़ा सोफ़ा टाइप हो गया मतलब सिटिंग का मतलब एरिया होना चाहिए ना ये हमारा अटैच वो है और ये हमारा भी एक थोड़ा हॉल टाइप ही होगा यहाँ भी हम थोड़ा सोफ़ा सेट लगाने जाएंगे छोटा क्योंकि दो एंट्रेंस है हमारी एक उधर है तारक मेहता जी की एक इधर होने जाएगी मतलब होनी जाएगी अपनी तो ये अटैच वो है तो हम चाहते हैं तो यहाँ पर हम वॉशरूम भी बना सकते थे पर क्या ज़रूरत है गाइस यहाँ पर हम सोफ़ा लगाएंगे तो ये बेड का अपने हटा देते हैं यहाँ से और 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 यहाँ पर ये यह वाला सोफ़ा लगा देते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये सोफ़ा इसी कलर की टेबल होगी ऑब्वियस सी बात है हमने सोफ़ा इस कलर का लिया है तो तो यहाँ पर तो हम एक काम करते हैं इसकी जगह लेते हैं फिलहाल अभी हमें जब अभी लगाएंगे जब हम उसको वापस ले लेंगे गाइस एक दो और बाकी इसको एक को यहाँ ले लेते ले 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 हैं ऐसे एक को यहाँ ले लेते ले हैं ऐसे ले, तो ये अपना सोफ़ा हो जाएगा कुछ इस प्रकार का अरे यार इसको हमें मोड़ना पड़ेगा इसको यूँ ले लेते हैं थोड़ा हमें दीवार से गैप छोड़ना पड़ेगा जैसे इस प्रकार थोड़ा गैप छोड़ के इधर भी एक ये हो गया यूँ हो गया बस छोटा ही ठीक है यार वहाँ बड़ा हो जाएगा ना फिर ज़्यादा अरे यार ये भी थोड़ा गैप में हो गए ठीक है यहाँ पर मतलब थोड़ा छोटा अपना छोटा सा बना नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा ये थोड़ा यहाँ से भी हटाते हैं ये हो गया अरे यार गलत हो गया हमें ऐसे करना है फिर एक ऐसे एक ऐसे अच्छा ओनली एक का हमें गैप देना है तो ये हमारा कुछ इस प्रकार है और यहाँ टेबल 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 मज़ा नहीं आएगा गाइस टेबल में तो अपने टेबल फिर एक काम करें कुछ थोड़ा इस पैटर्न में दे देते टेबल अपनी इस टाइप में अपनी टेबल दे देते गाइस क्योंकि ऑप्शन नहीं है यार अपनों पे एक कुछ बेड टाइप बना देते हैं इसका यार और कर भी कह सकते हैं अपने बेड टाइप बना देते हैं थोड़ा अपना लेटने वेटने का हो जाएगा एक्स्ट्रा एक यहाँ लगा देते हैं ये हटा देते हैं तो इसको भी हम फिर इकट्ठा ही कर लेते हैं गाइस फिर हमें ज़रूरत क्या है है ना ये देखिएगा इसको थोड़ा बैड टाइप हो जाएगा अपना बढ़िया सा आलीशान सा बड़ा सा बैड टाइप तो ये भी तोड़ ही देते हैं यहाँ से ये गलत लगा है हमारा अरे यार पीछे नहीं भाई आ गए ऑनली आ गया अलाउड तो एक यहाँ लगा देते हैं तो अपना ही मतलब कुछ इस प्रकार का बैड टाइप बन गया ये हमारा सेटिंग का मतलब चाहे सेटिंग बोल लो जो भी बोल लो तो हाँ ये लगा देते हैं अपने थोड़ा इस टाइप का गाइज़ ये हम ओनली ग्राउंड फ्लोर पे लगा रहे हैं हमें फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली तो अपने काम करते हैं अरे भाई, भाई 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 ये भी लगाते हैं हटाते हैं मतलब और बाकी यहाँ लगाते हैं अरे भाई, भाई 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 दो तीन तो बस ये ओनली इतना होने वाला हमारा बेड टाइप का कुछ तो इसके हम दो यहाँ पर लैम्प लगा देते हैं एक यहाँ पर एक यहाँ पर या लैंप बेकार लग रहे हैं गाइज़ यहाँ पर ये लैंप तोड़ देते हैं हम फोटो फ्रेम्स टाइप लगाएंगे ये हमारी एंट्रेंस होने वाली है तो एंट्रेंस में हम लाइटिंग ना लगाए ऐसा हो सकता है एक यहाँ पे अरे यार ये थोड़ा साइड हो जाएगा दो बस दो लगेगी यहाँ पे दो जाने का रास्ता यहाँ पे तो एक और यहाँ लगाने जाएंगे हम मतलब थोड़ा लाइटिंग सा हो जाएगा ना कहीं अब झूमर उमर तो हम लगा नहीं सकते तो उसकी वजह से हमने लाइटिंग्स लगाई है अपनी यहाँ पर ये यह हमारा थोड़ा हो जाएगा बाकी हम अभी वो लगा देते हैं सीनरी अपनी जो टाइप की है तो मतलब जैसे ग्राउंड फ्लोर के हमारे सब है तो हमारे उसमें तो हम पेंटिंग लगाते हैं फिलहाल गई एक यहाँ पे अपनी हो गई है ठीक है एक ये हो गई है एक यहाँ लगा डालते हैं यहाँ लग जाएगी ये सेम तो नहीं होगी सेम हो गई गई ये तो हाँ ये अब अलग हो गई ये अपना इतना तो हो ही गया है पेंटिंग से एक यहाँ लगा डालते हैं एक यहाँ ये यह तो सेम हो जाएगी गई यार ठीक है कोई इतनी दूरी में मतलब पता नहीं चल रहा एक ये हो जाएगी एक ये हो जाएगी मतलब पेंटिंग्स थी तो गाइज शान बढ़ा देते हैं घर की अपनी तो यहाँ पर लगाते हैं अपनी पेंटिंग यार ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी हम पीछे कुछ किसी चीज़ में टक रहे हैं यार एक जॉम्बी वाली थी ठीक है यहाँ पर ये भी ठीक है ये वाली नहीं एक जॉम्बी वाली थी गाइज़ ये तोड़ के हम देखते हैं वो आएगी 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 आई थी यार आई थी आई थी आई थी वो चलेगी जल्दी जल्दी मैं पर ये सेम हो जाएगी गाइज़ यहाँ पर सेम ये रही गाइज़ वो जोम्बी वाली एक यहाँ लगा देते हैं ये वाली एक यहाँ ये छोटी हो ही गई हमारी एक ये बड़ी हो गई छोटी हो गई हाँ हाँ कतई पेंटिंग हो रखी है गाइज पेंटिंग ही पेंटिंग तो यहाँ भी लगाते अपने बिल्कुल लगाएंगे गाइज एक यहाँ लगा, दे लगा देते हैं एक यहाँ पर हो जाएगी एक यहाँ हो जाएगी एक यहाँ हो जाएगी एक यहाँ हो जाएगी बाकी इधर लगा देते हैं अपने बाहर वाले एरिया में एक दो अरे यार दूसरी भाई दूसरी ये अपनी जॉम्बी वाली हो गई एक ये हमारा जो भी कराटे वराटे खेल रहे अपने प्लेयर एक ही हो गई अपनी एक ही हो अरे भाई ख़तरनाक हाँ ये ठीक है यहाँ पे हाँ एक ये ठीक है ये ठीक है ये ठीक है ये ठीक नहीं है ये ठीक है ये ठीक है ठीक है इतना पेंटिंग्स अपना ज़्यादा हो जाएगा वरना ना एक ये जोम्बी जोम्बी वाली सामने हो जाएगी अपनी एंट्रेंस हुई अपने हाउस की तो हाउस देख रहे हो क्या खतरनाक लग रहा है गाइज ये हम ओपन छोड़ने वाले क्योंकि ये ओपन होगा क्योंकि ये कनेक्टेड होगा ना गाइज ये दोनों को हम ये वाली दीवार भी तोड़ ही देते हैं इसकी क्योंकि हम गेट में लगाएंगे यहाँ पे ये हमारा ओपन होने जाएगा मतलब एक आर्च टाइप का बोल लोगे या किसी चीज़ को भी मतलब हाँ आर्च ही बना देते गाइज तो एक और ये बीम लगा देते अपना तो ये आर्च टाइप का हो जाएगा हमारी एंट्रेंस हो जाएगी ये हमारा मतलब ओपन ही है गाइज़ जो भी आपके सामने है तो भाई अपना तारक मेहता जी का भी हाउस कंप्लीट ही हो चुका है बस अरे भाई ये नहीं टूटना था तो अपने गिलास ढूंढ के लगाना पड़ेगा यार ये गिलास तो बुलाना मतलब गिलास ज़्यादा नीचे नहीं है वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो अपने गिलास इसकी जगह ले लेते हैं और गिलास लगा डालते हैं यहाँ पर तो अपना मतलब कंप्लीट ही हो गया तारक मेहता जी का हाउस एक बार मैं एक बार टूट दे देता हूँ आपको मतलब यहाँ गेट बस मेन गेट ही है तो ये हम एंटर हुए अपने तारक मेहता जी के हाउस में ये हमारा उनका सिटिंग एरिया मतलब जो भी अपना तो ये देखिए कुछ इस प्रकार है बाकी हाँ एक चीज़ और लगानी है मुझे उनके यहाँ पर एक अरे यार ये तो सोफ़े पे लग जाएगा यहाँ मज़ा नहीं आएगा उसका हम यहाँ लगा सकते हैं हाँ ये इधर ठीक है इस टाइप से थोड़ा भाई एक्स्ट्रा नहीं बस ओनली दो इधर दो इधर बस हमें इस टाइप का रखना थोड़ा ये मेरा थोड़ा सामान वामान रखने के लिए गाइस तो हमारा मतलब कंप्लीट ही है ये हमारा किचन हो गया तारक मेहता जी का जहाँ से अंजलि भाभी डाइट अपना बोल आती है सामान ये हमारा उनका एक और बेडरूम हो गया एक वहाँ वाला हो गया और एक बार नीचे चलते हैं ये उनका एक और एंट्रेंस वाला हो गया यहाँ पर उनका लिविंग मतलब गेस्ट गेस्ट रूम बोल लो गेस्ट हाउस बोल लो यहाँ पर गेस्ट गेस फेस्ट का सोने का हमारा जो भी है तो गाइज़ ये हमारा कम्प्लीट ही है लगभग लगभग तो मतलब लगभग तो हाँ कंप्लीट ही है बाकी टूटोरियल आएगा गाइज तो अपने ट्यूटोरियल भी देंगे तो अपने चलते हैं फिलहाल अपने तारक मेहता जी का जो बाहर का एरिया बनाएंगे गाइज वो तो मेन है तो गई आप देख सकते हो बाहर बारिश हो रही है बहुत तगड़ी और मैं आपके लिए इतनी बारिश में भी वीडियो बना रहा हूँ तो क्या वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ये देख रहे होगा इस बारिश हो रही है मैं बिना अपनी तबीयत की चिंता कर आपके लिए वीडियो बना रूँगा इस तो वीडियो को लाइक कर देना पहले हम ये बारिश हटा देते गाइस वरना अपने को खासी जुकाम कुछ भी हो सकता है तो अपने क्लियर कर देते हैं ये और टाइम अपना डे का कर देते हैं गाइज़ ताकि रोशनी और रोशनी में बनाने में एक चीज़ का अलग ही मज़ा होता है गाइस तो अपने यहाँ पर अपने मेहता साहब जी का वो बनाने जाएंगे क्या बोलते हैं अपना जहाँ वो कुर्सी लेकर बैठते हैं तो ये पीछे ज़्यादा हो जाएगा वैसे पीछे ही होता है उनका थोड़ा तो देखिएगा पीछे ही बना देते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे ये ज़्यादा ज़्यादा पीछे हो जाएगा गाइस तो यहाँ बॉक्सेस लगा देते हैं ना अपने अरे क्या हुआ अच्छा पहले अच्छा ये कोई दूसरे हमने लगाई हुई है कोई नहीं हम ढूंढते हैं ये वाला भी मिल जाएगा हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस तो ये कौन सा है क्वार्स स्लैब ओके हमने निकाल दिया ये क्या है स्मूथ क्वार्स स्लैब ओके ये स्मूथ क्वार्स स्लैब है एक क्वार्ड स्लैब अलग है तो हम इसकी जगह ले लेते हैं फिलहाल ये लग जाएगी गाइस अपने इसको ले लेते हैं वापस एक दो तो अपने यहाँ पर लगाते हैं मतलब तो लग यहाँ पर अभी फ़िलहाल हमें बॉक्सेस लगाने हैं अपने और एक और ले लेते ले हैं एक दो फिर दोबारा बॉक्सेस लगाते हैं यहाँ हमें चेयर लगानी है अपनी और यहाँ पर हमें ये गलत लगा रहे हैं अरे यार ये ऊपर लग गया ये नीचे लग गया अब ठीक है ये हमारा मेहता साहब जी का हो गया और यहाँ भी हम सिटिंग का ऐसा ही बनाएंगे जैसे कि हमने वहाँ बनाया था एक दो और यहाँ एक दो एक दो एक दो और यहाँ पर हमारी चेयर हो गई गई और नीचे ये वाला लगा देते हैं अपने यहाँ पर और गमला 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 ऐसा हो सकता है हम गमला ना लगाए गमले सॉरी गाइज गमला नहीं गमले तो अपने यहाँ फ्लावर फ्लावरिंग भी करेंगे ना तारक मेहता साहब का है अपने फ्लावर पॉट बोलेंगे उसको हाँ ये आ गया अपना तो अपने इसको किसकी जगह ले किसकी जगह ले इसकी जगह ले लेते हैं अभी फ़िलहाल लाइटिंग का काम नहीं है तो फ़िलहाल अभी हम गमले लगाते फिर इनमें फूल भी लगाएंगे फ्लावर पॉट यानी अपने एक यहाँ हो गया एक यहाँ हो गया मतलब चार लगाने हमें यहाँ पर तीन चार तो अपने फ़्लावर्स ढूंढते फ्लावर्स तो अपने वो मिल जाएंगे गाइस फ्लावर्स तो जल्दी मिल जाएंगे तो अपने एक ही लेते हैं ओ एक ही ले लेते हैं और क्या कर सकते हैं और 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 ऑरेंज आ गया येलो आ गया एक वाइट भी लेंगे गाइज़ वाइट तो शान बढ़ा देता है और और और, और एक और चाहिए अपनों को एक और चाहिए तो एक अपने ये वाला ये पर्पल ले लेते हैं काम कर रहे हैं पर्पल जी या ये वाला अरे यार साइन बोर्ड की हमें ज़रूरत थी पर कोई नहीं हम ले लेंगे एक, एक हमें ऊपर चाहिए होगा दो या वाइट वाइट सेम हो जाएगा तीन और ये चार अरे यार ये तो हमने सेम लगा दिया एक हमें फ्लावर पॉट लाना पड़ेगा दोबारा सर्च करते हैं आई गया वैसे बिना सर्च किए तो अपने किसकी जगह ले किसकी इसकी जगह ले लेते हैं अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है अरे यार उसकी ज़रूरत थी अपन को थी उसको उसकी ज़रूरत तो ठीक है ऐसे ही हम यहाँ लगा देते हैं अपना एक यहाँ हो जाएगा अपना ये एक यहाँ हो जाएगा एक ऑरेंज हो जाएगा एक येलो हो जाएगा गईस तो अपनों को एक सीनरी बस बाहर और लगानी है ताकि थोड़ी शान या सीनरी की ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पर मेन चीज़ें हमें यहाँ पर बोर्ड लगाना है अपने तारक मेहता जी का थोड़ा ऊपर यहाँ पे तो यहाँ पर एक ब्राउन जैसे कि हमने ब्राउन प्लेन में अपना डॉक्टर हाथी के लगाया था वही हम यहाँ लगाएंगे और उसके ऊपर अपना बोर्ड और नेम टैग दे देंगे तारक मेहता तारक मेहता तारक मेहता अंजलि मेहता तो यहाँ पर एक काम करते अपने ब्राउन ब्राउन यही है ब्राउन नहीं ये वाला ब्राउन अच्छा लगेगा तो अपने इसकी जगह ले लेते हैं और एक साइन बोर्ड एस आई जी ये अपनों को मिल गया साइन बोर्ड तो साइन बोर्ड एक इसकी जगह ले लेते हैं और क्या कर सकते हैं क्या तो ऊपर चलते थोड़ा यहाँ पर लगाते हैं ये यह, यहाँ ये यह लगाते हैं अरे यार तोड़ के लगाना पड़ेगा तारक मेहता तो तारक मेहता बाकी अंजलि भाभी का भी नाम लिख दें तोड़ देते हैं एक बारी दो मिनट ये हटाते हैं ये दिखाते हैं तारक मेहता अंजलि 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 जे के बाद ये आएगा का अंजलि में अंजलि हो गया वो तो फिर अंजलि मेहता एम ई -E एच टी ए तो ठीक है अपना तारक मेहता अंजलि मेहता हाँ अंजलि मेहता का सेम ऐसे ही आएगा थोड़ा तो ठीक है अपना यहाँ का अपना उनका सिटिंग का हो गया का ये देखिएगा यहाँ फ्लावरिंग हो रखी है तो थोड़ी बाहर भी हो रखी है उनके घर के पास तो अपना तारक मेहता जी का भी हाउस कंप्लीट है तो अपने काम करते हैं जो उनकी दूसरी एंट्रेंस है गाइज यहाँ पर भी हम नेम टैग दे ही देते हैं वैसे है तो ये तारक मेहता का पर हम यहाँ लगाएंगे रीटा रिपोर्टर तो अपने थोड़ा क्योंकि गाइस फिर रीटा रिपोर्टर का पहले था ना तो रिपोर्टर दो मिनट अपन लगा देते हैं रिपोर्टर रिपोर्टर तो अपना रीटा रिपोर्टर का भी हो गया मतलब ये ऐसे ही हमने लगाया रीटा रिपोर्टर का वैसे कोई तुक तो नहीं बनता क्योंकि पहले रीटा रिपोर्टर का भी यहाँ पर घर होया करता था तो हमने उस उसकी वजह से यहाँ पर रीटा रिपोर्टर का बनाया तो अपना ट्यूटोरियल आएगा जब तो हम दिखाएंगे गाइस सब चीज़ तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ये हमारे एंट्रेंस हो गई ये हमारा किचन हो गया ये हमारा उनका लिविंग एरिया हो गया और ये हमारा एक उनका अटैच बेडरूम हो गया और ये जो अपना बीच में आर्च बोलेंगे आर्च के थ्रू ये गेस्ट रूम हो गया उनका गाइस तो चलते हैं अपना बाहर यहाँ तारक मेहता जी का हाउस है गाइस तो तारक मेहता अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्द मतलब कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लग रहा है आपका हाउस सेम तो गाइस नहीं बन पाया हमसे पर हमसे जो बन पाया हमने वो बना डाला तो हमारा ग्राउंड फ्लोर में मतलब लगभग सारे हाउसेस कंप्लीट है ये वाला एक फॉर सेल है तो ये वाला हम वैसे ही बना देंगे क्योंकि ये वाला आज तक किसी ने देखा नहीं है तो हम वैसे ही बना देंगे गाइस और ये वाला भी जो बताते हैं ये वाला भी वैसे ही बनाना है हमें गाइस तो हमारे दो और डॉक्टर हाथी वाला तो हमने कंप्लीट कर ही चुके हैं गाइज़ और एक हमारा मैं आपको अंदर चलता हूँ ये वाला भी फॉर सेल वाला है तो ये वाला भी हम ज़रूर बनाएंगे मतलब तीन हमें तीन बनाने हैं कोई नहीं गाइज़ मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट पार्ट या उससे नेक्स्ट पार्ट में बना दूँगा और गाइज़ हम अपने नेक्स्ट पार्ट में मतलब मतलब मैं दिखाऊँगा आपको बनाऊँगा तो मैं खुद ही पीछे से और फिर हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट में अपने फर्स्ट फ्लोर्स पे गाइज़ तो हमें फ़र्स्ट फ्लोरिंग करनी है तो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ हमें कौन कौन सा बनाना है तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है अय्य रण बबीता जी का तो हम ये बनाएंगे फिर हम आगे चलेंगे हमारा जेठालाल और टप्पू का घर यहाँ भी मतलब चंपक चाचा और टप्पू का यहाँ पे ये जेठालाल और दया का गाइस और ये भिड़े और माधवी भाभी वो वाला भी भिड़े और माधवी भाभी का है गाइस और यहाँ चलते हैं यहाँ पर अपना सोढ़ी और वो वाला भी सोढ़ी का है गाइस सेकेंड फ्लोर यहाँ पर मोहन लाल मटका किंग का है अपना गाइस और ये हमारा ये तो सेकंड फ्लोर में जब हम आएंगे जब बनाएंगे हमें सेकंड फ्लोर में ओनली मोहन लाल मटका किंग हाउस बनाना है और एक पोपट लाल हाउस और ये हमारा है क्लब हाउस गाइस तो गाइस देखिएगा बस मैंने आपको बता ही दिया डेमो दे ही दिया मतलब मैंने आपको बता ही दिया है तो गाइस वीडियो यहाँ तक देखिये तो वीडियो को लाइक करें लेकर बिल्कुल मत जाना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलते हैं एक और ऐसी बढ़िया सी वीडियो के साथ पार्ट फोर्टी में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग